लेकिन सुशील पंडित जी, सरकार के इस बुलावे से क्या आप खुश हैं? कटिबद्ध होनी चाहिए थी इन नेताओं पर नकेल कसने के लिए, इन पर एक चार्जशीट लगाने के लिए, इनको इनके किए की सजा देने के लिए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप इसी सरकार ने संसद में, आपने खुद कहा, लगाए इन लोगों पर। तो फिर आज इनको फिर इनका महिमा मंडन करना, इनको लेजिटिमेसी देना, क्योंकि एक राजनीतिक दल है। तो भैया फिर एक राजनीतिक दल तो वहां केरल में है ना, जिसका जिसको SDP बोलते हैं, PFI का। आप किस किस राजनीतिक दल से, ये जो हुर्रियत के लोग हैं ये भी एक राजनीतिक दल ही है ना, आप किन किन राजनीतिक दलों को, जिसने अपने आप को राजनीतिक दल कह दिया, जो कभी कहता है चीन से 370 रिस्टोर करवाएंगे, कभी कहता है पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, इन राजनीतिक दलों को आप बुलाएंगे ये जानने के लिए कि कश्मीर में अब हालात कैसे सुधारे जाए, जिनको कश्मीर के हालात बिगाड़ने के लिए आपने कहा था कि ये जिम्मेदार हैं। दीपक जी, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो बाप बेटा मुफ्ती ये सब जो आ रहे हैं, ये वो मुख्यमंत्री हैं जब पुलवामा में हमारे 40 भाई बेटों के चीथड़े उड़ा दिए गए थे, ये उस शहर में थे, इनके घुटने टूट गए, ये एक फूल चढ़ाने उन 40 शवों पर नहीं आए, हमारे गृह मंत्री दिल्ली से गए थे उन शवों को रिसीव करने, ये लोग हैं जिन्होंने सत्ता में आते ही एक हफ्ते के अंदर अंदर मसरत आलम को छोड़ दिया। और फिर दूसरी बात दीपक जी, मैं इससे भी अलग जाता हूं, एक छोटा सा बड़ी विनम्रता से सवाल पूछता हूं, जब भी कोई इस तरह की वार्ता होती है उसकी एक पूर्व तैयारी होती है, पहले कहा जाता है इन लोगों से कि अगर हम वार्ता बुलाएंगे क्या आप आएंगे, आएंगे तो किस शर्त पर आएंगे, हमारा ये एजेंडा होगा, इसमें आपका कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा, ये सब जब तैयारी हो जाती है तब इसकी घोषणा होती है और लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। आप घोषणा करें प्रधानमंत्री के नाते कि एक वार्ता होगी और वो नखरे करें, वो शर्तें गिनाएं, ये तो ये आपके मुंह पर कीचड़ मर लें, और ये भले ही आपकी अपनी इज्जत का सवाल हो और आपको चिंता ना हो, लेकिन इस देश का तो कोई मर्यादा कोई सवाल है ना, उसका गौरव है ना, एक प्रधानमंत्री हैं आप, केवल एक दल के नेता नहीं है, एक व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं है, तो अगर आप इस देश की मर्यादा और गौरव के साथ, उसकी संप्रभुता के साथ इन 2% के नेताओं के हाथों अपमानित करवाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, क्यों ये देश बर्दाश्त करे उन अपराधियों के हाथों अपमानित होना, ये सुन के आप आमंत्रित करें और ये सुन के ये शर्तें गिनाएं, ये आपको पाकिस्तान का उलाहना दें और आप सुन करके चुप रह जाएं, और आपको इनकी आवभगत करने के लिए मजबूर होना पड़े, इनके लिए लाल कालीन बिछाना पड़े, इस देश के ये दिन आ गए हैं।